हेलो गाइस, आप सबों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो कल अचानक से मेरा जो मोबाइल है जिसमें मैंने यूट्यूब लॉगिन किया था, अचानक से साइन आउट हो जाता है। साइन आउट जैसे होता है मैं लॉगिन करने का कोशिश करता हूं, लॉगिन होता नहीं है। और साथ में ही मेरा यूट्यूब चैनल के पेज पर 4 से 5 जो वीडियो है वो अपलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जिसे देखकर मैं खुद परेशान हो गया था, जो कि मैंने 2 साल का मेहनत उसमें मैंने अपने चैनल के ऊपर काम किया है और उसमें मेरा इन्वेस्ट भी लगा हुआ था। तो एक लगता है कि अब सब कुछ गया, इस टाइप का मुझे अनुभव हो रहा था मेरा, जो कि जिसे मैं देख करके मेरा पसीना भी छूटने लगा था। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना जो भी जैसे भी हो जो मैंने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड बाद में वो काम किए। और सबसे पहले मैंने उस यूट्यूब चैनल का मतलब अपना जीमेल आईडी के मैंने पासवर्ड चेंज किए। पासवर्ड चेंज करने के तत्पश्चात मैंने क्या किया, जितना भी मेरा वीडियोज अपलोड उसमें इनवैलिड तरीके से कोई हैकर ने मुझे मेरा मतलब मेरा चैनल में अपलोड किए थे, जिसे मैं डिलीट कर दिए। जब तक मैंने डिलीट नहीं किया तो मेरा जो चैनल का जो डॉलर का लोगो है वो मतलब क्रॉस हुआ था, मतलब वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने ना किसी को OTP बताया है, ना ही मैंने किसी को ईमेल आईडी दिया है, और ना ही मेरा जो मोबाइल के अलावा कोई दूसरा मोबाइल में मेरा ईमेल आईडी लॉगिन है। तो फिर भी से जो मेरे साथ ये हुआ एक शोचनीय बात है। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं बनाते हैं तो उसके पासवर्ड हमेशा लंबा रखें और आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करें। और जब भी इस प्रकार की आपको आपके साथ दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले पासवर्ड चेंज करें, इसके बाद जो भी आपका वीडियो जो भी अपलोड हुआ है उसको आप बाद में डिलीट कीजिए। अगर मैं एक बार के लिए मैं सोच रहा था कि मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर दूं, तो जब तक मैं मोबाइल स्विच ऑफ करता तब तक मेरा चैनल उड़ गया होता। तो मैंने बहादुरी किए कि सबसे पहले मैंने पासवर्ड, जैसे मेरा मोबाइल से लॉग आउट हुआ, साइन आउट हुआ यूट्यूब चैनल, मैंने लॉगिन करने का बहुत कोशिश की है। अच्छा हुआ कि जो कि मेरा जो पहले पासवर्ड मैंने बनाया था ओल्ड पासवर्ड, वही मेरा पासवर्ड काम किए, जिसके साथ मैं लॉगिन करके यूट्यूब मतलब जीमेल में गया। जीमेल के बाद मैं जीमेल का ही पासवर्ड चेंज किए, तब जाके जो मेरा जो हो रहा था वो अपलोडिंग, जो कोई अपलोड कर रहे थे हैकर, वो बाद में ब्लॉक हो गया। वो मैंने सारा डिटेल चेक किए, ईमेल भी मैंने चेक किए, लेकिन ईमेल में कुछ इस टाइप का कोई लॉगिन डिटेल्स आया नहीं है कि जब भी मैं कोई दूसरा कंप्यूटर या दूसरा मोबाइल में मैं अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करता हूं तो उसमें आ जाता है कि आपने ये मोबाइल चाहे ये अपने कंप्यूटर में आपने लॉगिन किया, इस टाइप का नोटिफिकेशन आता है। लेकिन कल के हाल में मेरा क्या हुआ कि ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही कोई मेरे ना OTP आया, डायरेक्ट मेरा यूट्यूब चैनल जो कि हैक हो रहा था। तो आप लोग को भी इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आप कम से कम दिन में 2 या 3 बार अपना यूट्यूब चैनल हमेशा रिव्यू कीजिए, एक बार चेक कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अन्यथा हमारे मेहनत जो है 2 या 3 साल से हमने जो मेहनत किया है, जो लाखों रुपये करोड़ों रुपये जिसने भी लगाया है, वो मिनटों में चला जा सकता है। तो दोस्तों, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग लंबा पासवर्ड रखें और जो भी अपना यूट्यूब चैनल जिसमें जिस भी मोबाइल में लॉगिन हुआ है उसमें कोई दूसरा सिम इंसर्ट ना करें और किसी के साथ आईडी पासवर्ड, चाहे किसी के जो व्हाट्सएप लिंक या मैसेज में जो भी लिंक आता है अननोन लिंक, उस पर क्लिक नहीं करेंगे। और बाकी बात सब कुछ सही है, आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिना आईडी, बिना पासवर्ड, बिना मोबाइल नंबर, बिना OTP का भी यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोग से बोलूँगा, अगला वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।